हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विच आर बेस्ड अपॉन इंडियन पॉलिटी, और उसके साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे जो कि उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स। दोस्तों, जो जोनल काउंसिल्स होती है वो एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, विच वर क्रिएटेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, और पांच भाग में ये जोनल काउंसिल्स डिवाइडेड हैं: नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड सेंट्रल जोन। और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। तो ये बात याद रखनी है आपको। और जोनल काउंसिल का काम क्या होता है कि स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर। दोस्तों, राज्यों के बीच में किसी कॉमोडिटी के ट्रेड या कॉमर्स के ऊपर जो पार्लियामेंट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और ये कौन डिसाइड करता है वेदर सच रिस्ट्रिक्शन इज बेस्ड अपॉन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट, इट इज द पार्लियामेंट इटसेल्फ। पार्लियामेंट ये खुद डिसाइड करती है कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाना ट्रेड और कॉमर्स पे बिटवीन द स्टेट्स क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। तो ये आर्टिकल 302 पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है। दोस्तों, अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं और हमें बताने कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली है कि द प्रॉपर्टी और द इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज विद इन स्टेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है या फिर जो स्टेट में अलग अलग लोकल अथॉरिटीज होती हैं जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, उनके ऊपर भी सेंट्रल टैक्सेशन, जो सेंट्रल टैक्स होता है वो इम्पोज किया जाता है, वो सेंट्रल टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड नहीं होती है। ये पहली बात है जो आपको याद रखनी है। तो इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज नो दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन। दूसरी है दोस्तों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है और वो अगर किसी राज्य में स्थित है तो उसके ऊपर लोकल अथॉरिटीज द्वारा जो टैक्स लगता है वो नहीं इम्पोज किया जा सकता है, या फिर अगर वहां की कोई लोकल अथॉरिटीज है स्टेट की और वो कोई टैक्स लगाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और प्रॉपर्टी का मतलब है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज पेरिशेबल इनटेंजिबल एंड टेंजिबल प्रॉपर्टी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि द एक्ट फॉर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग द वोटिंग एज लिमिट मस्ट बी पास्ड बाय। दोस्तों, जैसे कि पहले जो अभी जो वोटिंग एज है वो 18 है, पर जो पहले वोटिंग एज थी वो थी 21, पर उसको रिड्यूस किया गया था 18 साल पे बाय द 61st अमेंडमेंट ऑफ द ईयर 1989। उसके थ्रू 21 साल से घटाकर वोटिंग एज 18 साल कर दी गई थी। और अगर ऐसे कुछ वोटिंग एज को बढ़ाया घटाया जाता है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी, उसके साथ ही साथ कंसेंट चाहिए होता है हाफ ऑफ द स्टेट्स का, क्योंकि इलेक्शन राज्यों में भी होते हैं और केंद्र के भी चुनाव होते हैं और अलग अलग राज्यों में भी होते हैं। तो एक ऐसा चेंज होता है जो कि स्टेट्स को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टेट्स का भी कंसेंट लेना इसमें जरूरी होता है। तो स्पेशल मेजोरिटी अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द वोटिंग एज लिमिट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अगला है दोस्तों, द लीडर ऑफ द हाउस इज, जो ये पोजिशन है ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस ये कहां पर प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों, लीडर ऑफ द हाउस के बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि लोकसभा का है और राज्यसभा का है, अलग अलग रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, वो इस पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो रूल ऑफ प्रोसीजर जो लोकसभा का है वो ये कहते हैं कि लीडर ऑफ हाउस जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर वो लोकसभा से आते हैं, पर अगर वो राज्यसभा से आते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो कोई मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे टू एक्ट एज ए लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा। वैसे ही अगर हम राज्यसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें तो वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं कि कौन एज ए लीडर ऑफ हाउस वर्क करेंगे इन राज्यसभा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी जो लीडर ऑफ हाउस है राज्यसभा में वो है पीयूष गोयल। अगला है कि वॉट हैपन्स व्हेन एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस डज नॉट सब्सक्राइब टू एन ओथ। आपको पता ही होगा कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हाउस के उनको ओथ दिलाई जाती है, अफर्मेशन दिलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। पर अगर कोई मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर है हाउस का और वो ओथ नहीं लेता है तो वो ना तो किसी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, ना ही उसको कोई राइट टू वोट मिलता है उस पर्टिकुलर हाउस की प्रोसीडिंग में। और उसके साथ ही साथ
जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती हैं वो भी उसको तब तक नहीं मिलती है जब तक वो ओथ ना ले ले। सो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, नहीं पहली वाली करेक्ट नहीं है, दूसरी वाली करेक्ट है, क्योंकि उसको वोटिंग का भी अधिकार नहीं होता और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। पर इसमें ट्विस्ट ये था पहली स्टेटमेंट में कि इसमें बोला गया है कि पार्टिसिपेट तो वो कर सकता है प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में बट वोटिंग राइट नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता, ना ही वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है और ना ही उसको वोटिंग का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू लैंग्वेजेस इन द पार्लियामेंट। तो दोस्तों जो भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग चलती है या फिर कोई बिल लाया जाता है या फिर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, तो वो अपनी मदर टंग में भी एड्रेस कर सकता है पार्लियामेंट को। अगर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो स्पीकर होंगे, वो अगर उनको इस बात की अनुमति दे देते हैं। वरना जनरली कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होंगी, जो लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज होगी वो या तो हिंदी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है, पर अगर प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, वो अगर अथॉरिटी देते हैं, वो अगर परमिशन देते हैं किसी मेंबर को टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर होगा सेकंड ओनली। अगला है विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दोस्तों जो यूनियन टेरिटरीज से मेंबर्स इलेक्ट होकर लोकसभा में जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाते हैं, और ये कब आया था, ये आया था इन द ईयर 1965। डायरेक्टली जो मेंबर्स जो लोग होते हैं यूनियन टेरिटरीज के वो वोट करते हैं और जिसके थ्रू फिर लोग इलेक्ट होके लोकसभा में जाते हैं फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। अगला है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल नीड्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। तो दोस्तों मनी बिल, जो कि आर्टिकल 110 बात करते हैं मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल के लिए भी प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन जरूरी होती है, या फिर अगर ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट होता है, मतलब स्टेट की बाउंड्रीज को घटाया या कम किया जाता है जिसके बारे में आर्टिकल 3 बात करता है, तो उसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है और उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन प्रायरली नहीं चाहिए होती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। अगला है कि जब अभी आपको बता होगा कि कैबिनेट रीशफल हुआ था, तो इसलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहले कैबिनेट में कौन कौन लोगों को क्या क्या पोर्टफोलियोज मिले थे। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री, वो साइंटिफिक रिसर्च का भी पोर्टफोलियो उनके पास ही था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज द आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो, उनके पास ये पोर्टफोलियो था, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव पेयर इज करेक्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जाती है हर एक स्टेट में, उसके प्रोसीजर क्रिएट करने का या फिर अबॉलिश करने का किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 169 इसके बारे में बात करता है। अभी वेस्ट बंगाल की जो असेंबली है उसने ये बिल पास किया है कि वो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना चाहते हैं। फिलहाल लेजिस्लेटिव काउंसिल खाली 6 राज्यों में है, जिसमें से कि लेटेस्ट राज्य जिसने लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की थी उसका नाम है तेलंगाना। पहले जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें इंक्लूडेड था, पर जब से जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा है तो उसके बाद से 7 से घटके अब खाली 6 राज्य रह गए हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कि जो भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में होती है वो किस लैंग्वेजेस में होती है। तो दोस्तों जो भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में होती है इट टेक्स प्लेस इन इंग्लिश, चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स हो या ड्राफ्टिंग हो या प्लीडिंग हो, कुछ भी होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कि विच अमेंडमेंट, थ्रू विच अमेंडमेंट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज सेटअप। तो दोस्तों जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब सेटअप किया गया था वो किया गया था बाय 89th अमेंडमेंट ऑफ 2003, जिसके थ्रू आर्टिकल 338A इंसर्ट किया गया था। तो कौन सी अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट थी 89th, और इसमें मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और बाकी 3 मेंबर्स होते हैं। तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बाकी 3 मेंबर्स होते हैं। जो मेंबर्स का टेन्योर होता है वो दोस्तों 3 साल का होता है और खाली 2 बार वो मतलब फिर से ये पोस्ट होल्ड कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये बात आपको याद रखनी है। और टेन्योर 3 साल का होगा और एक वुमेन का इस कमीशन में होना कंपल्सरी होता है, जरूरी होता है, ये बातें आपको याद रखनी है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम हो उसको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, चाहे वो फैक्ट्रीज हो या फिर कोई भी और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट हो उसके अंतर्गत उसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन इंडियन पॉलिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।